कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन यादों का एक बॉक्स याद आता है। मेरे फोन ने कुछ चेहरे याद करके एक फोल्डर बना लिया है। जब कभी भी देखता हूं, यादों का एक बॉक्स याद आता है। दोस्ती का पहला दिन, लेकिन ऐसा लगा किसी पुराने जिगरी दोस्त ने हाल पूछा हो। मेरी भाषा में कहें तो अंग्रेजी और कला की दोस्ती, मतलब एक अंग्रेजी के टीचर से कलाकार की दोस्ती। एक दिन के लंबे सफर से पहले मुझे 5 मिनट देरी होगी, बस रुकवा लेना। लेकिन बस से पहले हम तो फिर एक मैंगो शेक और एक ओरियो शेक की चुस्की लेते हुए हमारा सफर शुरू होता है। आगे से पीछे की तरफ खिड़की वाली सीट हमारी हो जाती, फिर हर स्टॉप पे एक नया यात्री चढ़ता और फिर सब एक साथ उतर जाते। हम सभी अपने अपने हुनर में माहिर थे। एक दूसरे का ख्याल रखना और माहौल को खुशनुमा बनाना हमें बखूबी आता था। आपका कोई दोस्त आपका हमेशा ख्याल रखे और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। शाम को एक छोटी सी टॉफी की मुस्कुराहट के साथ कॉलेज से अलविदा लेते हुए एक लंबे सफर के लिए अपनी अपनी जगह बैठ जाना। हाँ, बीच सफर में एक फलों से भरा टिफिन मेरी तरफ आता तो आंखों में खुशी आ जाती और पेट को थोड़ा सुकून मिलता। यह हमारी दोस्ती थी। मेरे दोस्त को कॉफी बहुत पसंद थी, वो भी कोल्ड कॉफी। सर्द हो या गर्म, कोल्ड कॉफी। वैसे तो कॉफी कड़वी होती है, लेकिन मेरे दोस्त की तरह मीठी और ठंडी होती थी। मेरे दोस्त में मेरा एक अच्छा टीचर था, जिससे मैंने जाने अनजाने बहुत कुछ सीखा। मिजाज ऐसा कि दिल को छू ले। हमारी दोस्ती एक एहसास है जो मैं शब्दों में लिखकर या बोलकर बयां नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को जब भी याद करता हूँ, मेरा चेहरा खिल उठता है। हमारी दोस्ती में मेट्रो के धक्के हो या खराब बसों का लंबा सफर या देर रात तक कॉलेज की पार्टियां, सब हमारी दोस्ती के हिस्से में आता है। हाँ, घर पहुंचकर फोन करना देर रात में, सब खैरियत है, हमेशा यही जवाब आता। फिर एक दिन मेरी तरफ से ये सिलसिला खत्म हो जाता है। मैं अपने उस दोस्त के लिए हमेशा ये दुआ करूंगा कि वो हमेशा खुश रहे और उसे वो तमाम खुशियां मिले। अच्छा, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मिलके एक कप कॉफी जरूर पिएंगे हम लोग। चलो, फिर से एक बार अपना ख्याल रखना।